दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 जनवरी 2022 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन कैसा रहेगा, क्या शुभ योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, साथ ही क्या क्या सावधानियां आज आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आज आपको लाभ मिलने वाला है, तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से। आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी महिला का नाम बताने वाले हैं जिसकी वजह से आज आपको लाभ मिलने की संभावनाएँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों, इस महिला से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। इस महिला का नाम जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है, तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले आज के ग्रह नक्षत्रों के बारे में। 22 जनवरी 2022 को कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, माघ नक्षत्र है, सौभाग्य नाम का योग बन रहा है, शनिवार का ये दिन है, चंद्रमा सिंह राशि में है जबकि सूर्य मकर राशि में विराजमान है। बात करें अगर आज के राहुकाल के समय के बारे में, तो आज का राहुकाल का समय होगा सुबह 11:17 से लेकर 12:38 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त की, तो आज का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1 तक का समय आज आपके लिए शुभ रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग रहेगा लाल और शुभ अंक रहेगा 4। तो आइए दोस्तों, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे कि आज का ये दिन आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं 22 जनवरी 2022 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन किस तरह से परिवर्तित होने वाला है, क्या शुभ योग परिणाम आपको प्राप्त होंगे, तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में होंगे जिसके आधार पर आपकी दिनचर्या परिवर्तित होगी। तो देखिए, एक तो इस दिन आपको आपके अंदर आत्मविश्वास होगा जिससे आप अपने कामकाज को काफ़ी आराम से और कम समय में पूरा कर पाएंगे। साथ ही आराम करने के लिए भी आपके पास काफ़ी वक्त होगा और इस दौरान देखिए, आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका धन आप तभी जोड़ पाते हैं जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति धन ज़रूर बचाना चाहता है, लेकिन जब आप फिजूल खर्ची ज़्यादा करते हैं तो धन को संचित नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ आपको फिजूल खर्ची बंद करनी होगी और धन को संचित करने की तरफ ध्यान देना होगा। और आज आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी क्योंकि दोस्तों, अभी बचाया हुआ पैसा आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम आ सकता है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आज आपका ज्ञान और जो विचार होंगे वो लोगों को ज़रूर प्रभावित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके कुछ ऐसे विचार होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो लोगों को समझ में आएंगी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में आपकी साख बढ़ेगी। लेकिन देखिए, यहाँ आपके दिमाग पर थोड़ा दबाव ज़रूर पड़ सकता है। दिमाग पर दबाव यानी कि आज आप प्रेशराइज्ड हो सकते हैं, या कोई आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करने के बारे में बता सकता है, या कोई काम ऐसे दे सकता है जो आपको प्रेशराइज्ड कर दें। साथ ही ऑफिस में कई मामलों में आज आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। जो करियर से जुड़े कुछ उलझे हुए मामले हैं उनका भी समाधान होगा जिससे आपको खुशी होगी। क्योंकि दोस्तों, कोई भी काम होता है उसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से फोकस रहना चाहिए। फोकस रहकर हर कार्य को करना चाहिए। बाकी आज आपके ऑफिस में भी आपके कामों की तारीफ होगी, लेकिन लोग आपकी तारीफ करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको प्रमोशन के रूप में मिलेगा, क्या कोई नई जिम्मेदारी या कोई नई जिम्मेदारी के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये दिन रहने वाला है। आज आपकी दोस्तों से मुलाकात का योग भी है, यानी आज आपको कोई दोस्त या कोई रिलेटिव्स कोई गिफ्ट भी दे सकता है।
जिसे देखकर आप खुश होंगे और इस राशि के जो जातक बिजनेस करते हैं उनको रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आज आपके अधिकारी आपके कामकाज से खुश हो सकते हैं। और यदि बात करें आपके प्रेम जीवन की तो देखिए प्रेमी की अदाएँ आज बहुत अच्छी होंगी जो आपको पिघलाएंगी और आपकी फीलिंग उसके प्रति अच्छी रहेगी। और यदि आप अपने प्रेमी से रूठे हुए हैं तो देखिए उसको मनाने के लिए आज का ये दिन अच्छा है, आप अपने प्रेमी को मनाएं। बाकी दांपत्य जीवन की अगर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी के साथ साथ भी आज आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। जीवन साथी के साथ अच्छे पलों को आप जी पाएंगे। बाकी पारिवारिक परिस्थितियां भी अच्छी रहेंगी। और यदि बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर आज का ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा और कुछ रिश्तों में भी नज़दीकियाँ रहेंगी। साथ ही यहाँ परिवार में अगर किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन चल रही थी तो उनके रिश्ते में प्रेम और सौहार्दपूर्ण स्थितियाँ बनी हुई हैं। यानी आज आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद को भी अपने परिजनों से के काफ़ी नज़दीक देख पाएंगे, उनकी हर बात में शामिल होंगे, उनके हर निर्णय को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों आखिर देर किस बात की है, साथ बैठकर आप उनके साथ समय को एंजॉय कीजिए, कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। और अगर आपने खुद के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए उनकी तरफ भी आज आपको बढ़ना होगा। अगर कोई भी नेगेटिव बात आपको परेशान किए हुए है तो आज आपको अपने उस नेगेटिव सोच से बाहर निकलना होगा और वास्तविकता पर अमल करके चलना होगा। क्योंकि दोस्तों आज का ये दिन आपके लिए कुछ मौज मस्ती भरा भी रहेगा, तो आप अच्छे से इन्जॉय करें। लेकिन देखिए यहाँ आपको हर कार्य में हर क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो तभी आप कामयाबी को भी हासिल करेंगे, वरना आपका ध्यान जो है वो काफ़ी भटका हुआ सा नज़र आएगा। इसीलिए सफलता प्राप्त अगर आपको करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करने की तरफ ध्यान दें। मेहनत करेंगे तभी उसका भविष्य में आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। और देखिए अगर आप किसी उद्योग से जुड़े हुए हैं या उत्पादन का उद्योग करते हैं या आज फ़ायदा पहुंचाने वाले कई विकल्प आपके सामने आएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियां भी होंगी क्योंकि आप दुविधा में हो सकते हैं कि कहां आपको जाना है, किस चीज़ में आपकी रुचि है। इसीलिए सबसे पहले दुविधा को दूर करने का आप थोड़ा समय लें और एक अच्छा विकल्प चुनें, क्योंकि दोस्तों मौका बहुत ही अच्छा अब आपको मिलने वाला है। तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाएं, ज़रूर उठाएं। आज आपके ज़्यादातर सोचे हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। साथ ही कुछ नए लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों स्थितियां आज कई तरह से अनुकूल बनी हुई है, बस ये आप पर निर्भर है कि किस तरह से आप इनका सदुपयोग कर सकते हैं। बाकी इस राशि के जो जातक हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए उनके अंदर आज कॉम्पिटिशन की रुचि जागृत हो सकती है जो आपको आगे ले जाने में मदद करेगी। करियर से जुड़े लोगों के लिए भी तरक्की के योग बने हुए हैं। और यदि बात करें आपकी सेहत की तो देखिए आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और अच्छी सेहत का आप आनंद भी उठाएंगे। आत्मविश्वास आपका बड़ा रहेगा। लाभ के कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आपका रिलेशनशिप भी बहुत सुंदर रहेगा, सकारात्मक रहेगा। तो दोस्तों दोनों ही रिश्तों में जो है आज आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नज़र आएगा। पार्टनर से आप अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे। और अगर आपका कोई डर सता रहा था कि बंधन टूट सकता है या रिश्तों में किसी तरह की परेशानी हो सकती है, तो देखिए वो डर भी आज आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आज आपके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। या अगर आपकी संतान विवाह के योग्य है तो दोस्तों उनके लिए भी शुभ विवाह के प्रस्ताव कहीं रिश्तेदारी में से ही आ सकते हैं, जिसको स्वीकार कर लेना आपके लिए उत्तम साबित होगा। तो इसीलिए आपको तैयार रहना होगा, दिन काफ़ी शानदार रहने वाला है। बस आप एक काम करें कि किसी कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद आज आप ज़रूर लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। या फिर आप अगर बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं तो देखिए पीपल के पेड़ पर आप शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक प्रतिदिन जलाना शुरू करें, तो इससे आपको बिज़नेस में अच्छे फ़ायदे नज़र आएंगे। इसके अलावा देखिए अगर आप रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं तो अच्छा खासा मुनाफा अब आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति को स्ट्रांग करने वाला जो मुनाफा होता है वैसा आज आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों बड़ा ही सुकून भरा ये दिन आपके लिए रहेगा। इसके अलावा देखिए अगर आप किसी नए उद्योग से जुड़ना चाहते हैं
और उसमें भागीदार हैं तो आज आपको थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना होगा, समझदारी दिखानी होगी, यानी साझेदारों के साथ जुड़ने से पहले उनके बारे में सब कुछ जानना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी जगह जुड़ने से पहले लोगों की राय लेना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए और भागीदारी उन लोगों के साथ ही करनी चाहिए जिनकी आपके साथ बॉन्डिंग हो सकती है, वरना जो परेशानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बाकी इस राशि के जो जातक अपने भाई बहनों के साथ आज काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे, ऐसा करने से आपके बीच में प्रेम भी बढ़ेगा। साथ ही देखिए कुछ खरीदारी का योग भी आज आपके लिए बना हुआ है, बड़ी खरीदारी आपके घरेलू सामान से संबंधित होगी जो आपके घर में खुशियाँ लेकर आएंगी। बस अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों वाणी में कठोरता देखी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। तो देखिए आज आप उपाय के तौर पर हनुमान भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं और एक नारियल चढ़ाएं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए बताते हैं आपको उस महिला के बारे में जिससे आज आपके अचानक मुलाकात हो सकती है और जिसकी वजह से आज आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों अगर ये महिला आपको मिल जाती है तो इससे आप किसी भी वाद विवाद में मत पड़िएगा, बल्कि इससे दोस्ती करने के बारे में सोचिएगा। तो दोस्तों सिंह राशि की महिला होगी, म अक्षर से इसका नाम शुरू होता है। तो ये महिला अगर आपको कहीं मिल जाती है तो आप इससे किसी भी वाद विवाद में मत पड़िएगा, बल्कि इससे दोस्ती करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।